बिहार में अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई लगातार जारी रहती है। चुनाव के वक्त में खास तौर पर अगड़ा पिछड़ा होने लगता है। पिछड़ों का एक बहुत बड़ा नेता लालू यादव को माना जाता है। लालू यादव बीमार चल रहे हैं, ऐसे में उनके पारिवारिक कलह भी हो रही है। तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच में पावर को लेकर लड़ाई हो रही है, ये अब सार्वजनिक है। राजद लगातार लालू यादव को सामने रखकर पिछड़ों का वोट अपनी तरफ कर लेता है, मगर इस बार लालू परिवार में भी विभाजन है। दोनों भाई अपने अपने तरीके से जनता को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनावी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपना दावा पेश कर रही हैं। खास तौर पर बिहार में एक बड़ा वर्ग पिछड़ों का है, उनके वोट को भुनाने के लिए सभी पार्टियां प्रयास कर रही हैं। इस बारे में जब हमारे संवाददाता ने जदयू सांसद और नीतीश कुमार के करीबी नेता आरसीपी सिंह से बात की तो उन्होंने लालू यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू यादव ने कभी भी पिछड़ों की राजनीति नहीं की है। उन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल पिछड़ों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आरसीपी सिंह ने क्या कहा, देखिए इस वीडियो में। पिछड़े का सम्मेलन है, क्या कहेंगे इस मौके पर? ये वोट बैंक जो है लालू जी का वोट बैंक माना जाता है पिछड़ा का। अरे ये कहाँ से आपने सीख लिया? लालू जी अति पिछड़ा के लिए काम किए क्या जीवन में? न किए हैं न करेंगे। वो अति पिछड़ा का काम किए हैं वो नीतीश बाबू, और नीतीश बाबू वोट बैंक की बात नहीं करते हैं, नीतीश बाबू वोटर की बात करते हैं, उसके काम की बात करते हैं। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि समाज के लिए जिनका आप नाम लिए हैं कभी कोई काम भी किए? साफ स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह ने लालू परिवार के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। लालू यादव की जो जागीर है पिछड़ों का वोट बैंक, उसमें सेंधमारी करने में जदयू लगातार अपना प्रयास जारी रखे हुए है। सिरे से नकार रहे हैं आरसीपी सिंह कि लालू यादव ने कभी गरीबों और पिछड़ों के लिए कुछ किया नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार अति पिछड़ों और पिछड़ों के लिए कार्य कर रहे हैं, बिहार में सरकार चला रहे हैं सुशासन की। आने वाले समय में लालू परिवार इसका क्या जवाब देता है ये तो देखने लायक है, मगर फिलहाल आप न्यूज बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।